Namaskar. Welcome to ChemShiksha. This particular question is from IIT Advance 2016 paper, and this question is from the section called thermodynamics. Thermodynamics का question है, बहुत अच्छा question है. देखते चलें. कह रहा है 1 mole of an ideal gas, कोई ideal gas है जो कि 1 mole है, 300 Kelvin पे है. आपसे कह रहा है thermal contact with surrounding expand isothermally from 1 liter to 2 liter. डेल्टा V भी दे रखा है आपको, change in volume भी दे रखा है. अच्छा ठीक है. Against a constant external pressure that is called as 380 amp. Okay. कह रहे change in entropy in surrounding बता दो, delta S surrounding बता दो. अगर 1 liter ATM आप किसके इक्वल है, 101.3 जूल के इक्वल है. ओके ठीक है. जो जो डाटा आपको दे रखे हैं एक साइड पे कहीं पे लिख लो और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो जरा, सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पे दे रखी है वो मेरे को एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ दे रखी है, ये आइसोथर्मल है. अगर ये आइसोथर्मल है तो सबसे पहली बात मेरे को क्या पकड़ में आती है, इफ इट इज आइसोथर्मल. तो ऐसे में आइसोथर्मल कंडीशंस में हम कहते थे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 हो जाता था. सिंस ये कह रहा है ये आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है, डेल्टा यू 0 हो जाएगा. एक तो ये बात पकड़ में आई. दूसरी बात क्या पकड़ में आ रही है, देखते हैं जरा गिवन डाटा में और क्या है. गिवन डाटा में अगर आप पकड़ने की कोशिश करो तो आपको वी फाइनल और वी इनिशियल भी आपको दे रखे हैं. आपको कह रहा है वी फाइनल कितना है, वी फाइनल है आपका 2 लीटर, वी इनिशियल है आपका कितना 1 लीटर. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में लिखी है, दैट इज अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. अगर किसी आप में से किसी को नहीं पता तो मैं इंपॉर्टेंट बात बोल दूं, जब भी कभी ये सेंटेंस लिखा हुआ आपको दिख जाया करे अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ जाया करो कि ये प्रोसेस कैसा है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का सेंटेंस होता है. जब भी कभी ये सेंटेंस दिखे आप समझ जाना, रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला ले जाना, इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है. तो अच्छा, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं अगर बात करूँ तो वो क्या होता था, वो होता था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि आपका ये तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया आइसोथर्मल होने की वजह से. तो यहाँ से मैं सीधा सीधा क्या कह दूँ, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा. ठीक है जी. और आपको पता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डब्ल्यू निकाला जाता था वो क्या होता था, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये होता था. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से क्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल. ठीक है जी. ऐसा कुछ हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. V फाइनल माइनस V इनिशियल करके मैं जरा कैलकुलेट करके देखता हूँ Q कितना आ रहा है. तो ये Q कितना आ रहा है, ये Q आपके पास आ जाता है कितना, ये आ जाता है माइनस माइनस हो जाता है प्लस. P एक्सटर्नल आपको कितना 3 ATM दे रखा था तो ये रख दिया मैंने 3. ये V फाइनल माइनस V इनिशियल 2 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 1. तो ये तो 1 ही हो गया सीधा सीधा. तो इसका मतलब Q कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 3. लेकिन इसकी यूनिट क्या है अभी, इसकी यूनिट क्या है, वॉल्यूम है लीटर में, और आपके पास 3 कितना था, एटीएम था. इसका मतलब इसकी यूनिट है अभी लीटर एटीएम. अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लीटर एटीएम है. इसने आपको नीचे यहाँ इसलिए ये हिंट दे रखा है कि लीटर एटीएम को जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जूल में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप इसका मल्टीपल करोगे किसके साथ, आपका इसका मल्टीपल करना पड़ेगा 101.3 के साथ. अभी आंसर आ गया किसमें, अभी जूल में आ गया. तो इतना जूल आपको क्यू दे रखा है. तो यहाँ से आपके पास निकल के आया कि आपका क्यू कितना है, आपका Q आ गया कितना, यू कैन से 3 × 101.3 इतना जूल आ गया. अगली चीज इसने कैलकुलेट करने को क्या बोली है, अगली चीज इसने कैलकुलेट करने को बोली है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो Q निकाला है ये तो हमने सिस्टम का निकाला है, ये सब सिस्टम के ऊपर बात चल रही थी. ये सब W है, ये सिस्टम का है, Q सिस्टम का है, डेल्टा U सिस्टम का है, ये सिस्टम के ऊपर बात चल रही थी. तो पहले मैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ही निकाल लेता हूँ. फिर आपको पता ही कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है. तो पहले डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालता हूँ, फिर उससे सराउंडिंग तो आ ही जाएगा. तो पहले डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालूँ तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपका सिंपली होगा यू कैन से क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर पे ये काम चल रहा है. ठीक है, किस टेम्परेचर पर चल रहा है, 300 केल्विन पे. तो आई कैन से कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो दिस विल गिव यू कितना, दिस विल गिव यू 3 × 101.3 डिवाइडेड बाय 300. इसलिए मैंने काटा नहीं था, ये 3 और ये कट जाएगा आपस में 300, और ये सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.013 जूल पर केल्विन. ये आपके पास आंसर आ गया प्लस में. लेकिन अभी भी हम आंसर पे नहीं पहुंचे हैं क्योंकि ये मिस्टेक कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है इस पे आंसर पे टिक लगाए हैं जल्दबाजी में. लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप थोड़ा सा होश में रहो, ध्यान से सोचो समझो ये क्या कह रहा है. इसको फाइनल आंसर में आपको क्या चाहिए, फाइनल आंसर में डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग चाहिए. और आपको मैंने अभी बताया कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग में आपस में क्या प्लस माइनस का रिश्ता रहता है. तो डेल्टास ऑफ सराउंडिंग अगर इसको चाहिए तो अगर आपका डेल्टास ऑफ सिस्टम अगर प्लस का एक 1.013 आया है तो डेल्टास ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस का 1.013 जूल पर कैल्विन आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह से बस आपको थोड़े बहुत अगर फॉर्मूलाज भी थर्मोडायनेमिक्स की याद है तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हो। देन आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe ChemShiksha.